हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर भरत सिंघानिया, डर्मेटोलॉजिस्ट, सिंघानिया स्किन क्लिनिक रायपुर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि पिंपल्स क्या होते हैं और इसे किस तरीके से रोका जा सकता है और होने के बाद इसे किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। पिंपल, जिसे कि मेडिकल लैंग्वेज में एक्ने भी बोलते हैं, यह एक आम समस्या है जो कि जनरली टीन एज के बच्चों में ज़्यादा देखी जाती है। ये एक हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। इस एज के जो बच्चे होते हैं उनमें हार्मोन चेंजेस के कारण ऑयल ग्लैंड्स ज़्यादा ऑयल बनाना चालू कर देती है। ये ऑयल आपके चेहरे के रोम छिद्रों को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर कीटाणु उत्पन्न होते हैं और लाल लाल दाने, फुंसियाँ बनने लग जाती है, जिसे कि हम मुहासे, पिंपल या एक्ने बोलते हैं। ये एक बहुत ही नॉर्मल सी समस्या है, लेकिन इस एज के बच्चे जो कि थोड़े ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इन्हें हीन भावना आने लगती है और अगर इलाज नहीं करते हैं तो चेहरे पर ये दाग भी छोड़ जाते हैं। इस कारण इसका उपचार करना बहुत जरूरी होता है। पिंपल्स को रोकने के लिए जितना हो सके ध्यान रखना होता है कि चेहरा ज़्यादा ऑयली ना हो। चेहरे को कई बार आप फेस वॉश से वॉश कर सकते हैं। चेहरे पर आप ज़्यादा मॉइस्चराइजर, ज़्यादा ऑयली क्रीम का उपयोग ना करें और पिंपल्स जब होता है तो अपने स्किन स्पेशलिस्ट से मिलकर बराबर इसका इलाज करना चाहिए। पिंपल्स बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और इसे अच्छे ढंग से अगर हम ठीक करते हैं, एक अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट पर जाकर अगर इसका ट्रीटमेंट कराते हैं, तो इसे पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है। इसके लिए वो आपको खाने की दवाई दे सकते हैं और लगाने के लिए कई प्रकार के क्रीम्स आते हैं जिसे आप लगा सकते हैं। फेस वॉश, जो एंटी एक्ने फेस वॉश होते हैं, उसको उपयोग करना चाहिए। इसके लिए केमिकल पीलिंग एक ट्रीटमेंट होता है, जिसमें कुछ फ्रूट एसिड्स होते हैं जो आपके चेहरे पर लगाकर क्लीन किया जाता है। लेज़र ट्रीटमेंट किया जा सकता है। लेज़र ट्रीटमेंट से पिंपल्स अच्छे से साफ होते हैं और जो दाग धब्बे होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे से चले जाते हैं। इसके अलावा कई प्रकार के माइक्रो नीडलिंग ट्रीटमेंट, MNRF ट्रीटमेंट किया जाता है, जो कि आपके चेहरे पर दाग छोड़ गए हैं या गड्ढे छोड़ गए हैं, उसे हम काफ़ी अच्छे से ठीक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ पिंपल्स को ट्रीट किया जाए तो पिंपल्स पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। इस वीडियो में आज फिलहाल इतना ही। आगे हम इस तरह की वीडियो बनाते रहेंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।